Welcome back to Eating Out. My name is Gaurav. नाम तो सुना होगा. देखिए मेरे आसपास आपको कुछ अलग सा लग रहा है. आप ही लोग तो फेसबुक पे कहते रहते हैं कि शारजा आओ, शारजा आओ, शारजा आओ. इसलिए आज मैं अपनी पूरी टीम को लेकर एक बार फिर से आ चुका हूँ शारजा बेहतरीन खाना खाने के लिए. वी फाउंड एन ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हियर. नाउ दिस रेस्टोरेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट द रीजन हम आपको ये रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं. हम आपको ये रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मिलता है माइंड ब्लोइंग खाना. और इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि अगर आप शारजा में हैं और आप पाकिस्तान से हैं और आप ये सोचते हैं कि यार शारजा में कहीं भी बंद कबाब तो मिलता ही नहीं है यार, मुझे पाकिस्तान की याद आती है, मैं क्या करूँ, हमने आपके लिए ये जगह ढूंढ निकाली. इस जगह का नाम है कबाब पैलेस और यहाँ पर आपको बढ़िया कबाब और बढ़िया खाने के साथ साथ बन कबाब भी मिलेगा. तो चलिए यहाँ पर खाना खाते हैं. To get to Kabab Palace, you have to first head towards Kanatal Kasba in Sharjah. With Kanatal Kasba on your right hand side, head straight till you reach a roundabout, and from here, you have to take a right and go up to the bridge. As soon as you come down from the bridge, you'll see the Nissan showroom on your right side. This means you're on the right path. Now keep going straight and you'll go up another bridge, and from here, stay on the right lane as you have to take an exit to get off the bridge. Once you've come down the bridge, just keep going straight and follow the road which will pass under a bridge. From here, just go straight till you reach a roundabout. Take a right from here and go straight. This is the Corniche Road and you'll soon see the Radisson Blue on the right side. And opposite that is our undiscovered restaurant of this week, Kabab Palace. कबाब पैलेस में आकर बैठ चुका हूं मैं एंड आई एम रेडी टू डू व्हाट आई डू बेस्ट, दैट इज ईट. इनका मेन्यू देख रहा हूं, दिस इज यू नो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक. एवरी टाइम आई सी अ स्मॉल प्रिसाइज एंड कंसाइज मेन्यू, ज्यादा डिशेस नहीं है तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा. एंड मेन्यू रीड नेम्स लाइक हलीम, निहारी, धागा कबाब, कबाब रोल्स, बन कबाब, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं. मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है और मैं अपने खाने का इंतजार कर रहा हूँ. कबाब पैलेस में हमने मंगाया चिकन धागा कबाब. और बोटी बन कबाब. मेन कोर्स में मैंने अपने लिए मंगाया हांडी चिकन और निहारी. अभी जो आपने प्रेपरेशन देखी वो थी धागा कबाब की. अब देखिए धागा कबाब होता तो वैसे नॉर्मल सीख कबाब की तरह है, पर इस पर धागा इसलिए बांधा जाता है क्योंकि ये जो है बहुत मुलायम होता है, ये बिना दांत के भी खाया जा सकता है. इट्स यू नो समथिंग लाइक व्हाट यू कॉल द डोरा कबाब इन द अवधी क्विजीन, इट्स द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ दैट. और इसे खोलने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, आप हमें बताएंगे कैसे खोला जाता है. वाह, डिवाइन, इट्स मेल्टिंग इन माय माउथ, मजा आ गया, वाह. ये खाकर मुझे मजा आ गया है, पर ये तो सिर्फ स्टार्टर्स थे, तो फन हैज जस्ट बिगन. अभी तो पूरा मेन कोर्स आना बाकी है. मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, यहां पर एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे सुबह 9 से 11:30 के बीच में आपको टिपिकली पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट मिलता है, जिसमें कि होता है छोले पूरी, हलवा पूरी और आलू की सब्जी, साथ ही साथ मसाला चाय. इसका एक कॉम्बो भी मिलता है विच इज प्राइस एट ओनली 12 dirhams. तो किसी फ्राइडे या सैटरडे आइए कबाब पैलेस और बढ़िया ब्रेकफास्ट का मजा उठाइए. फिलहाल भाई मेरा खाना कहाँ है? मेरा खाना आ चुका है एंड मैंने दोनों डिशेस के साथ अपनी स्पेशलाइज रोटीज मंगाई. जैसे निहारी के साथ मैं नॉर्मल रोटी खाऊंगा और जो हांडी चिकन है इसके साथ यहाँ पर एक स्पेशलिटी मिलती है, ये देखिए, दिस इज द रवा मैदा पराठा, ये भी खाकर देखूंगा. तो अब बात खाने की बात करेंगे.
कबाब पैलेस की सारी स्पेशलिटीज मैं खा चुका हूँ, आई मीन जितना खा सकता था उतना तो खा ही चुका हूँ, बट वॉट आई रियली लाइक वॉज वन द धागा कबाब. दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू ट्राई. अगर आपने अवधि खाने में डोरा कबाब नहीं खाया तो पाकिस्तान का धागा कबाब तो आपको खाना ही चाहिए. ट्राई इट विद द कुलचा. आई मीन कुलचा सोचकर कई लोग सोच रहे हैं कि फ्राइड कैसे खाऊं, नहीं खाऊंगा. दिस इज नॉट फ्राइड, दिस इज ऑयल फ्री. ये जरूर खाइएगा. एंड फुल पॉइंट्स अगर मैं किसी चीज को दूं यहाँ पे, इट्स गॉट टू बी द निहारी. नाउ दिस इज स्पेशल, यू डोंट गेट इट एवरी सिंगल डे, यू गेट इट ओनली ऑन थर्सडेज एंड फ्राइडेज. पर अगर आप थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पर आए तो निहारी जरूर खाइएगा. देखिए इसे बनाने में काफी वक्त लगता है, 4-5 घंटे का दम लगता है, और उसके बाद जब ये मटन ऐसा टेंडर होके आपके मुंह में जाता है, आहा, स्पेशली इस गार्निश के साथ, तो आपको कहते ना मजा आ जाएगा. वाह. At Kabab Palace, eating out recommends Bihari Kabab. Til Mil Jinga. Malai Chicken Boti. मतलब ही यार किसके खाया पिया और किसके भाई, ये तो कहावत है, पर वी आर नथिंग लाइक दैट. हम तो खाते पीते हैं और आपके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं. एंड हियर इज अ चांस टू कम एंड हैव अ फैंटास्टिक मील एट कबाब पैलेस. बस आपको एक सिंपल से सवाल का जवाब हमें एसएमएस करना है. सवाल ये है कि हमने अंदर एक कबाब खाया था जिसमें धागा लपटा हुआ था. बताइए हमें कि इस कबाब का नाम क्या था. राइट आंसर बाय एसएमएस 3536 एंड सम ऑफ यू विल बी ईटिंग हियर एब्सोल्युटली फ्री. अब मुझे यहां से जाना पड़ेगा, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ईटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त.